नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा और आपका स्वागत है। इस जगह का नाम है एओदोस। ये तो मेरी इन मंगोलिया की यात्रा का दूसरा स्टेशन है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सभी ये काले रंग वाले, क्या आपको मालूम है ये क्या है? ये सभी सोलर पैथ है। दशकों से पहले इस क्षेत्र में पूरी तरह से रेगिस्तान थे, लेकिन जो ये रेगिस्तान इस संरक्षण के लिए और पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए, तो स्थानीय लोग बड़ी कोशिश से इस प्रकार के सोलर पैथ बेस बनाया गया था। और आप देख रहे हैं ये सभी सोलर पैथ लगभग वर्ष 2017 से 19 तक बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं ये सोलर पैथ के नीचे कुछ विभिन्न प्रकार के प्लांट भी उगाते हैं। और इस तरीके से न केवल ये सोलर पैथ कुछ हमारे जीवन के लिए कुछ बिजली पैदा कर सकते हैं, बल्कि इसके नीचे ये सभी प्लांट्स तो स्थानीय रेगिस्तान क्षेत्र के संरक्षण के लिए लाभदायक हैं। यहाँ के ये सोलर पैथ बेस कुल 2,80,000 मू बड़ा है और आप देख रहे हैं ये सिर्फ इस स्पेस का 1/9 हिस्सा है। और योजना के अनुसार ये पूरी पेस मतलब लगभग वर्ष 2025 तक पूरी तरह से स्थापित की जाएगी। और सुनाया गया है कि इस क्षेत्र में अभी कुल 4,00,000 इस प्रकार के सोलर पैथ है और हर साल में लगभग 2 बिलियन किलोवाट आवर बिजली पैदा करते हैं। देखिए, ये सोलर पैथ के नीचे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं और क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र में बहुत सूखी है, पानी नहीं मिलते हैं, इसलिए ये लाल रंग के पाइप, ये तो पानी पाइप है, तो रोज़ उनके लिए पानी देते हैं। अभी ये रेगिस्तान क्षेत्र में पूरी तरह से ये हरा रंग के प्लांट्स। यहाँ के रेगिस्तान क्षेत्र का नियंत्रण करने के लिए न केवल ये सोलर पैथ बनाते हैं, बल्कि यहाँ ये रेगिस्तान क्षेत्र में ये जंगल भी बनाया गया है। देखिए, ये क्षेत्र इससे पहले सभी रेगिस्तान था, लेकिन आप देख रहे हैं कितना सुंदर जंगल। वाओ, अभी तो मेरी इन मंगोलिया की यात्रा अभी 5 दिन हो गए हैं और अभी मुझे पता है यहाँ ना केवल सुंदर घास मैदान, ना केवल सुंदर वोल्केनो, बल्कि इस प्रकार के सुंदर तानशा लैंडफॉर्म भी मिलते हैं। यहाँ वास्तव में एक अच्छी जगह है। आपका भी स्वागत है। जैसा कि भारत में आप गंगा अपना मां नदी माना जाता है और चाइना में हम पीरा नदी हमारा मां नदी है। और मेरे पास ये है पीरा नदी ग्रैंड कैनियन और अभी मैं स्थित हूँ ये इन मंगोलिया ब्रांड और उस तरफ से तो शैंसी ब्रांड और यहाँ एक एस साइज वाला ग्रैंड कैनियन का सुंदर दृश्य आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ ये पीला नदी के ग्रैंड कैनियन क्षेत्र है और यहाँ विभिन्न प्रकार के मनोरंजन गतिविधि है और अभी मैं अनुभव कर रही हूँ यहाँ के ग्लास ब्रिज। देखिए, नीचे आप सीधा देख सकते हैं और मैं वहाँ देखना चाहती हूँ और वहाँ ये पीला नदी बुरी तरह से देख सकते हैं। लेट्स गो। अभी मेरे साथ यहाँ के वाटर स्लाइड का अनुभव करेंगे। लेट्स गो। पहले मैंने तो शिनजियांग में भी इस प्रकार के वाटर स्लाइड का अनुभव किया है और लेकिन ये और बड़ा है। इसका कुल लंबाई लगभग 800 से ज़्यादा लंबाई है। बहुत अच्छा अनुभव है और इसका टिकट का दाम 300 रुपये चाहिए।
आप ही यहाँ अनुभव कर सकते हैं।